आम आदमी पार्टी को भी ईवीएम से जिताने की साजिश हो रही है। तो क्या माना जाए दोस्तों कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई? मतगणना होगी, वहां किसानों के ट्रैक्टर तैनात रहेंगे। यह शायद ऐसी एक घोषणा है किसान यूनियन की जो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर गृह युद्ध भड़का सकती है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग तय करे क्या करना है, वो उसकी सफाई दे, लेकिन ऐसे इन संस्थाओं पर सवाल खड़े करना सही नहीं। क्या आप अखिलेश यादव के आरोपों में उनके साथ बहस करना कि एग्जिट पोल प्रायोजित थे नहीं प्रायोजित थे, मुझे लगता है बेमानी बहस। इस बहस को करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जिट पोल भी ह्यूमंस करते हैं, कई बार गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं। वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से गलत थे, बिहार में पूरी तरह से आपका पोल गलत था और जगह सही था, ये मैं मानती हूँ। तो एग्जिट पोल पर बेमानी चर्चा करना निरर्थक है। लेकिन बार है जिनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पैंदा है जी, किसको पड़ी है? कांग्रेस की, सबको पड़ी है अपनी अपनी सीटों की। गोदी मीडिया के पोल्स का, एग्जिट पोल का, ओपिनियन पोल का किस तरह से बचाव कर रही हैं, ये देख करके बहुत दुख हुआ। दोस्तों नमस्कार। बड़ी ठंडक पहुंचाने वाली खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, गिरफ्तार कर लिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि भाई साहब जो थे नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के मांग कर रहे थे, ध्यान बटाने की कोशिश करते थे कर रहे थे, लेकिन शिवसेना ने डंडा दिखा दिया और डंडा दिखाने के बाद फडणवीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। भाई शिवसेना का और संजय राउत का भाई और नवाब मलिक का अंदाज ये होता है, इनको मैं भड़वा नहीं बोल सकता, इनको मैं चोर बोल सकता हूं, इनको मैं ऐसा आतंकवादी बोल सकता हूं जो सामाजिक आतंकवादी हैं, जो देश में समाज के बीच में जहर घोलते हैं। ये भाई गिरफ्तारी कर ली गई है देवेंद्र फडणवीस की, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मुंबई पुलिस ने अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया है। इसमें प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, नीतीश राणे, मंगल प्रभात लोढ़ा, पता नहीं कितने ऐवे हैं जो नवाब मलिक को लेकर के हल्ला मचा रहे थे, लेकिन जो मचा रहे थे वो तो चले गए अंदर। अब भाई खबर पर आते हैं, उस खबर पर जिस खबर में बहुत सारा विद्रोह छुपा हुआ है, जो ईवीएम को लेकर के हंगामा उत्तर प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर हंगामा इस कदर हावी हो गया है कि कहीं कचरे की गाड़ी में मतपेटियां मिल रही हैं, कहीं ईवीएम मिल रही है, कहीं जनता बहुत आक्रोशित हो गई है। ये तो आपने सब सोशल मीडिया पर देख लिया होगा और किस तरह से जनता आक्रोशित हो गई है ये भी देख लिया होगा, लेकिन कुछ सीन दिखाना चाहूँगा कि आक्रोशित जनता के साथ साथ एक वकील जो है वो अपने क्या उद्गार व्यक्त कर रहा है, और उसके बाद किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत गोदी मीडिया के पोल्स का, एग्जिट पोल का, ओपिनियन पोल का किस तरह से बचाव कर रही हैं, ये देख करके बहुत दुख हुआ। लेकिन पहले वकील साहब को सुन लीजिए, क्योंकि वकील साहब जिस तरह से बोल रहे हैं वो थोड़ा सा आप समझ पाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में संघियों ने लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कसम खाई है और यूपी चुनाव इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि पहले ये वीडियो देख लीजिए। कहीं उसके जड़ें ना हिल जाएं, जिस तरह से देश के अंदर ये माहौल पैदा हो गया है, लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है, तो क्या ये प्रजातंत्र जो 1947 में हमारे नेताओं ने जो आजादी की जंग लड़ी थी और उसके बाद एक बहुत सुंदर एक हमारा जो देश बनाया था और इसका जो संविधान है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में है, क्या उसको मजबूत बनाए रखना और उसकी गरिमा को बनाए रखना क्या जरूरी नहीं है? क्या प्रजातांत्रिक देश होने के नाते हमारी जुडिशरी की जिम्मेदारी बनती है? और मैं समझता हूँ देश के हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो प्रजातंत्र में यकीन करता है, उसको आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अखिलेश यादव के इस वर्जन के मैं सपोर्ट करता हूँ कि अब प्रजातंत्र को बचाने की जरूरत है। किस तरह से मजाक बना दिया चुनाव का कि एक चुनाव होने के बाद वो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी हुई हैं, फिर एक अचानक से गाड़ी निकलती है, उसे कचरे में लोग अचानक रोक लेते हैं, उस गाड़ी में ईवीएम मिलती है, कभी सुनने में आता है कचरे के डब्बे में ईवीएम मशीन रखी हुई है। इस तरह के मुद्दे पे चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भी बहुत बड़ा सवाल ये में है कि क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है या वो सरकार के अधीन काम कर रही है। अच्छा असद इकबाल जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ जाता है, क्योंकि
जब लोग घरों से निकलते हैं, मतदान करने जाते हैं, वोट भी देते हैं, और ऐसे हालात जब सबके सामने पैदा हो जाए कि उनका वोट भी जो है सुरक्षित नहीं है, जिनको देना चाहते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच से ही गायब हो जाए, अगर ऐसा भी अगर लोगों के मन में असमंजस आना शुरू हो जाए, सवाल निशान बनना शुरू हो जाए, तब ऐसे हालातों में लोगों के मन में क्या स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, मौजूदा सरकार ने ये तय कर लिया है कि बाई हुक एंड कुक सत्ता हासिल करनी है। अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, चाहे लोगों की भावनाओं को भड़का के हो, चाहे किसी धार्मिक, जो हमारे हर व्यक्ति हमारे देश का धार्मिक व्यक्ति है, उसकी धर्म के अंदर जो उसके मन में एक सजोए हुए है अपने भगवान की, अपने अपने पूज्य जो उसके अंदर एक जो जो तस्वीर है उसका इस्तेमाल करके की जाए, या उसकी जो जो उसके इमोशंस हैं उनको कैश किया जाए, या किसी पावर का इस्तेमाल किया जाए, पैसे का इस्तेमाल किया जाए, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सत्ता चाहिए। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। आने वाले समय में जब जनता में आप देख रहे हैं, मैं भी काफी जिलों में गया हूँ, ये वीडियो आपने देख लिए होंगे दोस्तों। उसके बाद SDM जो है खुद सफाई देती हुई नजर आती है, इनका भी एक वीडियो देख लीजिए। ये बताइए कि आपके ये साइंस वाले ये यहाँ कैसे भाग घूम रहे हैं? आपके तो ये छुट्टी क्यों होनी चाहिए ना? सारे नंबर मार रहे हैं, ये ऐसे किसी के पास भी कैसे घूम रहे हैं? आरो साहब, आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम आपके। ये भी वीडियो आपने देख लिया होगा, वकील साहब को देख लिया, SDM साहिबा को देख लिया, और उत्तर प्रदेश में होती हुई धांधलियों को भी देख लिया, और मीडिया का बचाव करती हुई सुप्रिया श्रीनेत को भी देख लिया। अंबार है जिनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पैंदा है जी, किसको पड़ी है? कांग्रेस की, सबको पड़ी है अपनी अपनी सीटों की। अब इस बीच दोस्तों जो है एक अलग पिक्चर नजर आती है, जब किसान ऐलान करते हैं कि हर जगह जहां मतगणना होगी वहां किसानों के ट्रैक्टर तैनात रहेंगे। ये शायद ऐसी एक घोषणा है किसान यूनियन की जो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर गृह युद्ध भड़का सकती है, क्योंकि जिस तरह की चीजें और नाफरमानियां और चुनाव आयोग जो था नपुंसक बनकर के बैठा रहा, यह सवाल उठाता है चुनाव आयोग पर। हालांकि चुनाव आयोग मोदी जी का पाला हुआ है ना, तो वो तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश में चुनाव जीतने का ककेरा पड़ रखा था। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इसी सेटिंग के साथ जीतते थे, जानते थे ईमान सबका बिकाऊ है, खरीदने वाला होना चाहिए। तो मोदी जी जनता ने चुन के नहीं भेजे थे, अब तो शक होने लगा है, ये विकास की कहानी गाती, जनता ने चुन के नहीं भेजे थे, पैसे के बल पर चुनाव जीते थे। और जिस तरह के पैसे का धन बल जन इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाकई में शर्मनाक है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र उसी दिन मर गया था जिस दिन बड़ी बड़ी रैलियां और उद्योगपतियों ने हैवी डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि लठ लेकर के जब जनता निकलेगी सड़कों पर तब इनका क्या होगा? और गोदी मीडिया खास तौर पर इस देश की गुनाहगार कही जाएगी, यूपी की गुनाहगार कही जाएगी, क्योंकि एक आम राय यह बनने लगी है कि जीतने दो भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा है महंगाई होगी, अच्छा है मरने दो लोगों को। लेकिन यहां पर योगी जो हैं डराने में बड़ा यकीन रखते हैं। योगी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को कह रहे हैं डरती हो। और डर गई है, आप सीट पर बैठे, हेलीकॉप्टर से घूम के आओ, जल्दी से जाओ ना, है डर गए तुम, डर गए, डर गए। ये वीडियो की थोड़ी सी झलकी आपने देख ली होगी, लेकिन इनके जो सपोर्टर होते हैं वो दावा करते हैं कि 10 तारीख को सब गर्मी निकल जाएगी, जैसे कि उन्हें पहले से ही चुनाव परिणाम पता हो। ठीक उन्हीं चुनावी सर्वों की तरह जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गोदी मीडिया ने डाले, जिनका खंडन करती हुई सुप्रिया श्रीनेत जैसी एक विपक्ष की नेता नजर आई, तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुप्रिया श्रीनेत क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई हैं। मुझे तो कांग्रेस पार्टी अब एक जोकरों का समूह नजर आने लगी है।
जब से राहुल गांधी पिक्चर से आउट हुए हैं तब से लगने लगा है कि कुछ जोकरों ने कांग्रेस पार्टी को अपने इशारे पर घुमाना चालू कर दिया है। नारे बहुत अच्छे लाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लाते हैं, लेकिन ये डिसीजन तो कल होगा, कल जब मतगणना शुरू होगी, कल जब पानी नापा जाएगा, जब ईवीएम में इतनी गड़बड़ चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो हम क्यों ना मान लें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसी कोशिश कभी कांग्रेस ने नहीं दिखाई, ऐसी कोशिश समाजवादी पार्टी ने नहीं दिखाई, केंद्र में सरकार होते हुए भी। लेकिन संगी तो संगी होते हैं ना, मोदी तो मोदी है, वो तो सब कुछ करेगा ना, और करना भी चाहिए, और कर लेगा तो बहुत अच्छे है। तो दोस्तों, जहां विपक्ष एक तरफ नहीं है, वहीं गोदी मीडिया जो है पुकार रहा है मोदी मोदी, अभी तक नशा नहीं उतरा है। अंजनाओं कश्यप अपने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को और जितना भी गोदी मीडिया है वो सही साबित कर देना चाहता है। आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में सर राजदीप देसाई उतर आते हैं। जहां आम आदमी पार्टी का पंजाब में कुछ नहीं है, वहां आम आदमी पार्टी को भी ईवीएम से जिताने की साजिश हो रही है। तो क्या माना जाए दोस्तों, कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई? क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, अगर ईवीएम का और हमारा आकलन सही है और जो खबरें आई हैं कि ईवीएम की सेटिंग की गई है और सब कुछ सेट कर दिया गया है, तो ये मानना बहुत साधारण सा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में ना आ जाए अगर इसी तरह की बेईमानी हुई है तो। क्योंकि योगी भी कॉन्फिडेंट हैं और चुरा रहे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं अगर जीतने का इतना कॉन्फिडेंस है तो मतपेटियां क्यों लूटी जा रही हैं, ईवीएम क्यों लूटी जा रही हैं। उनका भी अपना इरादा अपनी जगह बुलंद है, लेकिन देश में आक्रोश पनप रहा है। जो वीडियो लिए गए हैं सोशल मीडिया से लिए गए हैं, एक चैनल से लिए गए हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार उनका कि जो उनके वीडियो मिले मुझे ग्राउंड रिपोर्टिंग से। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, प्रश्न यहां पर उठते हैं, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनिधि का ये बयान कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इतने मायने नहीं रखते, क्या सही था? अखिलेश यादव का बयान जिसमें उन्होंने बोला प्रजातंत्र या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब इसको बचाना आम जनता की जिम्मेवारी है, क्या इस तरह का बयान उत्तर प्रदेश में गृह युद्ध को भड़काएगा, या कल के आने वाले चुनाव नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आंखों को चौड़ा कर देंगे? ये तो हम कल नतीजे देखेंगे और नतीजों के बाद एनालिसिस करेंगे। कल शाम फिर मिलेंगे, जीत हुई तो खुशी खुशी मिलेंगे, हार हुई तो हार का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।